हेलो एवरीवन, क्लास 10 के साइंस में हम लोग लाइव प्रोसेस एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर को लगातार कई वीडियोस के माध्यम से देख रहे हैं और आज हम समझते हैं कि शायद इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक लास्ट ही टॉपिक देख रहे हैं और शायद ये चैप्टर भी आज फिनिश हो जाए। आज हम लोग देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके पहले हम लोगों ने लगातार कई वीडियोस के माध्यम से हर ऑर्गन सिस्टम के वर्किंग, उसकी फिजियोलॉजी को देख रहे हैं और आज हम लोग देखेंगे एक्सक्रीशन, स्पेशली एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सक्रीशन का मतलब समझते हैं कि एक्सक्रीशन है क्या। मोटा मोटी इतना तो हम लोग जानते हैं कि गंदे पदार्थ को शरीर के अंदर जो बनते हैं उन्हें बाहर निकालना ही एक्सक्रीशन। हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमने चर्चा की है इसके पहले के वीडियोस में भी कि हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कंटिन्यूअसली होते रहते हैं। कई प्रकार के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, कई प्रकार के, और जितने भी प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी बॉडी के अंदर तो वेस्ट प्रोडक्ट्स तो बनेंगे, गंदे पदार्थ तो बनेंगे, बाय प्रोडक्ट्स तो बनेंगे। जैसे किसी भी फैक्ट्री में जब प्रोडक्शन होता है तो उसका बाय प्रोडक्शन भी होता है, बेकार पदार्थ भी बनते हैं। और एक बड़ी समस्या होती है, एक बड़ा इश्यू होता है, हाउ टू गेट रिड ऑफ दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स। करते क्या है लोग, नदियों में बहा देते हैं उस बेकार पदार्थ को, जिसकी कि काफी हम लोग भर्त्सना भी करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, नदियां पॉल्यूट हो रही हैं। तो एक बड़ा इशू है कि वेस्ट प्रोडक्ट्स का डिस्पोजल कैसे हो। ठीक उसी प्रकार हमारे बॉडी में भी मेटाबॉलिक एक्शंस होते रहते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते रहती हैं और बेकार पदार्थ बनते हैं, बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो उन बाय प्रोडक्ट्स को हम लोग कैसे शरीर से बाहर निकालेंगे, आज हम लोग इस टॉपिक में, एक्सक्रीशन में, इस वीडियो के थ्रू इन चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम यह जानते हैं कि ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं ये कई प्रकार के वेस्ट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। जैसे सिंपल, हम रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट हो गया और हमने बड़ी आसानी से उसे रिमूव कर दिया बॉडी से। तो कुछ मैकेनिज्म जो होते हैं एक्सक्रीशन के, सॉरी एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये बड़ा ही सिंपल होते हैं। बेकार पदार्थ तो वह भी है जो मल के रूप में, फिकस के रूप में हम लोग आफ्टर डाइजेशन जो अनडाइजेस्टेड या अनयूज्ड मटेरियल्स बच जाते हैं उसे हम लोग रेक्टम के थ्रू बाहर कर देते हैं, वो भी है रिमूवल ऑफ वेस्ट। गंदे पदार्थ को बॉडी से बाहर निकालना वो भी है। वेस्ट कई प्रकार के हो सकते हैं, गैसियस वेस्ट हो सकते हैं, देखा हमने कार्बन डाइऑक्साइड को, हम लोग प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बनता है बाय प्रोडक्ट के रूप में, उन्हें जरूरत तो ग्लूकोज की है, बन गया ऑक्सीजन भी, वो ऑक्सीजन उनके लिए बाय प्रोडक्ट हो गया, उसे वो छोड़ देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। थोड़ा बहुत ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में यूज होता है, बाकी सारा एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बाहर निकाल देते हैं, वे उसके लिए बाय प्रोडक्ट्स हैं। तो ये हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, बाय प्रोडक्ट्स हैं, वो गैसियस भी हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी हो, जैसे फीकस मल सॉलिड फॉर्म में निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में निकालते हैं, स्वीट के रूप में भी बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं हमारे बॉडी के। लेकिन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोग खास तौर पर एक खास प्रकार के वेस्ट प्रोडक्ट्स को शरीर से बाहर कैसे निकाला जाए, जो कि काफी खतरनाक होते हैं, डेंजरस होते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। नाइट्रोजनस वेस्ट्स, नाइट्रोजन के बने हुए वेस्ट्स आज हम लोग देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम में। हाउ डू आवर बॉडी गेट रीड ऑफ दीज नाइट्रोजनस वेस्ट्स। सबसे पहले समझते हैं ये नाइट्रोजनस वेस्ट्स हैं क्या, किसे कहते हैं। हम लोग प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है,
कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावे एक खास एलिमेंट नाइट्रोजन होता है, प्रोटीन की हमारे बॉडी में आवश्यकता है। प्रोटीन के एसिमिलेशन के बाद कुछ खास प्रकार के वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं। चूंकि प्रोटीन में नाइट्रोजन है, इसलिए प्रोटीन से प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बने उसमें भी नाइट्रोजन रहता है, इसलिए उन्हें नाइट्रोजनस वेस्ट्स कहते हैं। बहुत कॉमन है, नाम आपने सुना होगा, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारे वेस्ट जो होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, क्योंकि ये प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के बाद बनते हैं। चूंकि प्रोटीन में नाइट्रोजन है, इसमें भी नाइट्रोजन है, और चूंकि इसमें नाइट्रोजन विशेष रूप से पाया जाता है, इसलिए इसे नाइट्रोजनस वेस्ट कहते हैं। कार्बन हाइड्रोजन भी है, लेकिन नाइट्रोजन सब में नहीं रहता, इसमें है, इसलिए इसे नाइट्रोजनस वेस्ट कहते हैं। तो हम लोग आज चर्चा करेंगे कि हमारा बॉडी अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, इन सारी चीजों से कैसे छुटकारा पाता है, कैसे शरीर से बाहर निकालता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने अमोनिया के बारे में। अमोनिया काफी पॉइजनस गैस है, और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के बाद अमोनिया हमारे बॉडी में बनता है। अमोनिया के बारे में कहा जाता है, लेबोरेटरी में अमोनिया बनाते हैं तो आप उस लेबोरेटरी में रह नहीं पाते हैं, इतनी दुर्गंध फैलती है, इतना पॉइजनस उसका स्मेल है, और उतना डेंजरस, उतना पॉइजनस गैस हमारे बॉडी में कंटिन्यूअसली जनरेट होते रहता है, तो हम जिंदा कैसे हैं। तो कहा जाता है कि अमोनिया इतना खतरनाक होता है कि अमोनिया बॉडी में ज्यादा देर तक रह जाए तो हमारी मृत्यु हो सकती है, हम बचेंगे नहीं। तो इसलिए हमारे बॉडी में ऐसी व्यवस्था है, ऐसा इंतजाम है कि अमोनिया को एक टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक मटेरियल है, एक हाईली टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट है, उसे लेस टॉक्सिक मटेरियल में बदल दिया जाए। अमोनिया को यूरिया में बदल दिया जाता है। यूरिया भी टॉक्सिक है, लेकिन अमोनिया ज्यादा टॉक्सिक है। तो एक प्रोसेस है हमारे लीवर में होता है, जिसे ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं। ऑर्निथिन साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल हमारे लीवर में होता है, और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से अमोनिया जो बनता है, उस अमोनिया को यूरिया में बदल दिया जाता है। यूरिया भी टॉक्सिक है, लेकिन यूरिया उतना टॉक्सिक नहीं है, कुछ देर शरीर में रह जाए तो हमारी मृत्यु नहीं हो जाएगी तुरंत। तो पहला काम तो हो गया, अमोनिया हाईली टॉक्सिक मटेरियल, हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस, हाईली टॉक्सिक वेस्ट वॉज कन्वर्टेड इंटू अ लेस, कंपेरेटिवली लेस टॉक्सिक मटेरियल, दैट इज यूरिया। लेकिन यूरिया भी तो खतरनाक है, पॉइजनस है, उसे भी शरीर से निकालना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ और भी नाइट्रोजनस वेस्ट्स हैं, जिसमें यूरिक एसिड बहुत कॉमन है, जिसका नाम आपने सुना होगा, आपके पेशाब में रहता है, यूरिया एंड यूरिक एसिड अब बच गया। कुछ और भी वेस्ट्स हैं, कुछ और भी मटेरियल्स हैं, इन्हें कैसे शरीर से बाहर निकाला जाए। ये पॉइजनस है, ये हार्मफुल है, हमारे शरीर में ज्यादा देर तक रहेंगे तो दिक्कत करेंगे, इन्हें शरीर से कैसे बाहर निकाला जाए। इन्हें बॉडी से बाहर निकालने के लिए, इनसे छुटकारा पाने के लिए हमारे शरीर में एक सिस्टम है जिसे एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। और ये सारा कुछ होता कहाँ है, इसके लिए हमारे बॉडी में एक पेयर ऑफ किडनीज होते हैं, एक जोड़े किडनीज होते हैं, जो इन नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया एंड यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालने की व्यवस्था करते हैं। तो अब हम देखेंगे किडनीज कैसे होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, और वो कैसे काम करते हैं, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग ऑफ किडनीज, इन चीजों पर आज हम लोग इस टॉपिक में विचार करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर, लोकेशन ऑफ किडनीज, फिर देखेंगे वर्किंग ऑफ किडनीज। तो ये जो हमारा थोरेसिक कैविटी आप देख रहे हैं, ये थोरेसिक कैविटी है, ये छाती की हड्डी वाला एरिया। तो हमारी किडनी दोनों साइड, दोनों लैटरल साइड में इस थोरेसिक कैविटी के अंदर, थोड़ा अंदर और थोड़ा
एम्प्लॉय से बाहर निकला हुआ, यही इसका लोकेशन है हमारे किडनी का। दोनों लेटरल साइड में एक एक किडनीज होते हैं और ये थोरेसिक कैविटी द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं इस प्रकार से। और इनका शेप कैसा होता है, बंद मुट्ठी या कह सकते हैं बीन्स का जो सीड होता है, बीन्स का जो सीड होता है गौर करेंगे उसी टाइप का। बहुत कॉमन स्ट्रक्चर है, हम समझते हैं कि आप इसे जानते होंगे। ये एक किडनी है और दूसरा हम समझते हैं कि इस टाइप का बनाइए, और दोनों ही किडनी में एक एक ब्लड वेसल आया। कहां से आया? हार्ट से आता है। किसी भी ऑर्गेन में ब्लड वेसल कहां से आता है? हार्ट से आता है। हम लोग पढ़ चुके हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो हार्ट से किसी भी ऑर्गेन में पहुंचने वाले ब्लड वेसल को हम लोग आर्टरी कहते हैं, और हम बताए थे नाम भी उसी टाइप का रख देंगे। ये रीनल ऑर्गन है, किडनी इज द रीनल ऑर्गन, सो द आर्टरी विल बी नेम्ड एज रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी। ये ब्लड वेसल किडनी के अंदर आ गए। अंदर आने के बाद कैसे ये छनता है, इसके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे प्यूरिफाई होते हैं, निकलते हैं, फिल्टर्ड होते हैं, इसकी चर्चा तो हम लोग करेंगे। लेकिन इस किडनी में यूरिन बन जाता है, कैसे बनता है वो देखेंगे अभी हम। लेकिन यूरिन बनता है, वो यूरिन एक पाइप के थ्रू एक थैली में आकर मिलता है। थैली को हम लोग यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। और ये जो दोनों ट्यूब्स हैं जो इस यूरिन को इस थैली में लाल लाकर जमा करते हैं, इसे हम लोग यूरेटर कहते हैं। एक जोड़ा यूरेटर्स। हर ऑर्गेन में आने वाला एक ब्लड वेसल होता है, तो उस ऑर्गेन से निकल करके डीऑक्सीजनेट होकर के फिर हार्ट की तरफ जाने वाला भी एक ऑर्गेन होता है, और उसे हम लोग वेन कहते हैं। तो इससे एक वेन भी निकलता है दोनों से। इसे हम लोग रीनल वेन कहते हैं। रीनल वेन कहते हैं। तो किडनी में आने वाले ब्लड वेसल को रीनल आर्टरी और किडनी से निकलने वाले ब्लड वेसल को रीनल वेन कहेंगे। चलिए इतना देख लिया हमने। ये हमारी किडनी है, एक जोड़ा किडनी है। अब हमें यह जानना है कि किडनी में आया तो ब्लड, फिर ब्लड निकल भी गया, लेकिन ये यूरिन कैसे बन गया जो कि शरीर से बाहर फिर निकलता है। ये यूरिनरी ब्लडर है, यूरिनरी ब्लडर में यूरिन जमा रहता है और वो समय समय पर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। असली हमारी उत्सुकता इस बात को जानने में है और आपकी भी, कि इस किडनी में आने के बाद आखिर ऐसा क्या होता होगा कि ये ब्लड तो वापस लौट गया लेकिन यूरिन बन गया। तो अब हमें देखना है वर्किंग ऑफ अ किडनी। एक किडनी के वर्किंग को जरा हम अच्छे तरह से समझ लेंगे और उसके बाद हमें बड़ी आसानी होगी और कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग वर्किंग ऑफ किडनी। एक्चुअली एक किडनी जो देखने में आपको इस प्रकार से
हम समझते हैं कि 10-12 सेंटीमीटर के करीब का होता है, 10-12 से यानी छोटा वाला जो स्केल आप देख रहे हैं वो 15 सेंटीमीटर का होता है, छोटा वाला स्केल, उससे भी छोटा ये किडनी है। इसके अंदर ऐसा माना गया है कि बहुत छोटे छोटे वर्किंग यूनिट्स होते हैं जिसे हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। ये नेफ्रॉन ही काम करता है, ये नेफ्रॉन ही फिल्ट्रेशन का काम करता है। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, एक किडनी में इस नेफ्रॉन की संख्या 1 मिलियन होता है। 1 मिलियन मतलब 1/6 0 यानी 10 लाख। एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं, 10 लाख वर्किंग यूनिट होता है जो काम कर रहा है कंटिन्यूअसली, फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है। अगर हम एक नेफ्रॉन के वर्किंग को देख लें, एक नेफ्रॉन कैसे काम करता है, तो हम बड़ी आसानी से समझ लेंगे कि वो इस प्रकार से हमारी किडनी काम करती है। तो अब हमें देखना है वर्किंग स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ अ नेफ्रॉन, एक नेफ्रॉन कैसे काम करता है। और बहुत ही आसान है, सिंपल है। आपको पूरे लाइफ प्रोसेस के कंसेप्ट को दिमाग में रखना है। जैसे यहां पर अभी हमने देखा ये इसका नाम रीनल आर्टरी क्यों है, क्योंकि ये हार्ट से आ रहा है। इसका नाम वेन क्यों है, अब ये हार्ट को जाएगा, वेना कैवा में मिल जाएगा, हार्ट में जाएगा। हमेशा हर सिस्टम को ध्यान में रखना है। एक सिस्टम पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं दूसरे सिस्टम से जब वो कनेक्टेड है, हमेशा ध्यान रखना है। तो अब हम देखते हैं वर्किंग ऑफ अ नेफ्रॉन, एक नेफ्रॉन कैसे काम करता है। नेफ्रॉन होता है एक फनल लाइक स्ट्रक्चर, एक फनल। फनल जैसे आप वो याद होगा कुप्पी देखे होंगे, कुप्पी। अब तो केरोसिन का यूज हमारे घरों में बहुत कम होता है, घर में लोग बैटरी यूज करते हैं, इन्वर्टर यूज करते हैं, केरोसिन का ही केरोसिन बोलते हैं। जब केरोसिन आता था तो केरोसिन में कोई गंदगी नहीं हो, कोई सॉलिड वेस्ट ना हो, इसलिए हम लोग उसे छानते थे और एक छोटे मुंह वाले किसी कंटेनर में रखते थे, 5 लीटर 10 लीटर। तो उस छोटे मुंह वाले में डालने के लिए कुप्पी होता था, कुप्पी इस ढंग का, ये इस ढंग का कुप्पी हुआ करता था। और कुप्पी में कहीं कहीं देखते होंगे इसी ढंग नेट भी लगा रहता था, जाली भी लगा रहता था, जो कि किसी भी प्रकार के इंप्योरिटीज को भी छान। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, हमारे किडनी में जो वर्किंग यूनिट 10 लाख की संख्या में ये नेफ्रॉन है, कुछ देखने में ऐसा ही लगता है फनल से। अब हम देखते हैं नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। हमारा नेफ्रॉन जो होता है वो बिल्कुल इस ढंग से होता है, एक कैप्सूल है, एक कैप्सूल है। और इससे निकला हुआ ये जो ट्यूब है ये बड़ा लंबा होता है। और इस ट्यूब की एक खासियत क्या है, एक जगह ये यू शेप टर्निंग जरूर लेता है, यू शेप टर्न जरूर लेगा। ये काफी पतला होता है, इसलिए ट्यूब न कहकर ट्यूब्यूल कहते हैं हम लोग, ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल इतना लंबा है कि इसे हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं, 3। इतना लंबा ये ट्यूब्यूल है, जैसे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, उसी तरह ये ट्यूब्यूल भी काफी लंबा होता है। शुरुआत वाला जो पार्ट होता है इसे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कहते हैं, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, प्रॉक्सिमल। ये सबसे दूर वाला है सी, इसे हम लोग डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं।
से टर्न लेता है, इसे एक लूप बन जाता है, एक लूप, इसे हम लोग लूप ऑफ हेनले करते हैं, हेनले साइंटिस्ट का नाम है। बस इतना ही है, एक नेफ्रॉन। तो ये काम कैसे करता होगा, अब इसके वर्किंग को समझते हैं। हाँ, ये जो ऊपर वाला पार्ट है कैप्सूल जैसा, फनल जैसा, इसे हम लोग बॉमेंस कैप्सूल कहते हैं, बॉमेंस साइंटिस्ट का नाम है। बॉमेंस कैप्सूल यही है हमारा एक नेफ्रॉन। देखेंगे काम कैसे करता है। अब गौर कीजिए फिर से यहां पर, रीनल आर्टरी कहां से आ रहा है, हर्ट से आ रहा है, किडनी में गया, इसलिए उसका नाम हमने रीनल आर्टरी रखते, किडनी का किडनी रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी। ये रीनल आर्टरी किडनी के अंदर प्रवेश किया तो किडनी में, किडनी का चूंकि वर्किंग यूनिट नेफ्रॉन है तो इसे हर नेफ्रॉन तक जाना है। कितना नेफ्रॉन है, 10 लाख। हर नेफ्रॉन में कम से कम एक एक ब्लड वेसल जाएगा, यानी कि ये जो रीनल आर्टरी किडनी में प्रवेश किया ब्लड वेसल 10 लाख हिस्से में बटेगा। कल्पना कीजिए, हार्ट से एक एओर्टा निकला था, वो एओर्टा हर ऑर्गन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाना है उसे, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, जैसे जैसे वो अलग अलग ऑर्गन्स में ये पहुंचाने के लिए उससे वेसल्स निकलते हैं, आर्टरीज निकलते हैं, उसका डायमीटर कम होता चला जाता है, डायमीटर डायमीटर, पहले आयोटा मोटा था, फिर कम होता चला गया, कम होता चला गया, कम होता चला गया, और ऑर्गन के पास आते आते वो आर्टरी पतली रह जाती है। अब वो पतली आर्टरी जो इन किया, जो एंटर किया किडनी में, अब 10 लाख हिस्से में बटेगी। कैसे संभव है 10 लाख हिस्से में हर नेफ्रॉन को? आपको, आप याद कीजिए, आपको किसी न किसी वीडियो में हमने समझाया था सर्कुलेटरी सिस्टम में शायद, कि हमारे ब्लड वेसल्स में आर्टरीज हो या वेन्स हो, ये आर्टरी जब टिश्यूज में प्रवेश करती हैं, सेल्स, हर सेल तक इसे ब्लड को पहुंचाना है, तो टिश्यूज में इन करने के बाद पतला होते होते इतनी पतली रह जाती है कि इसकी दीवार सिंगल सेल मोटी हो जाती है, और अब इसे हम लोग कैपिलरी कहते हैं, द थिनेस्ट ब्लड वेसल। उससे पतला ब्लड वेसल क्या हो सकता है, उससे छोटा ब्लड वेसल क्या हो सकता है? जैसे हाईवे है, उससे निकली सड़क वो थोड़ी कम चौड़ी है, फिर उससे भी सड़क निकली वो भी थोड़ी कम चौड़ी है, गांव तक जाने वाली सड़क और कम चौड़ी होगी, उससे आपके मोहल्ले तक जाने वाली सड़क और चौड़ी होगी, और उस मोहल्ले में आपका घर जहां है वहां तक जाते जाते वो बिल्कुल पतली हो गई, अब रिक्शा भी नहीं जा रहा है। ठीक उसी तरह से ये ब्लड वेसल जब हमारे हर सेल्स एंड टिश्यूज तक पहुंचने लगते हैं तो ये पतला होते होते इतने पतले हो जाते हैं कि ये सिंगल सेल का इनका वॉल रह जाता है, ब्लड वेसल का वॉल रह जाता है, सिंगल सेल थिकनेस वाला। अब इस प्रकार के ब्लड वेसल्स को हम लोग कैपिलरीज कह सकते हैं। कितना छोटा होता होगा ये ब्लड वेसल, कितना पतला होता होगा, इसकी कल्पना आप तो कर ही सकते हैं। हमने बताया था, हम यहां पर काट देते हैं, कहीं भी दिखता नहीं ये ब्लड वेसल, लेकिन तुरंत ब्लड आ जाता है। कहां से आया, ब्लड वेसल्स हैं लेकिन वो इतने पतले हैं कि हमें दिखाई नहीं दे रहे, उन्हें हम लोग कैपिलरीज कहते हैं। तो ये रीनल आर्टरी कैपिलरीज में बट जाते हैं और हर नेफ्रॉन तक एक एक कैपिलरी पहुंचता है। तो ये भी एक नेफ्रॉन है, यहां भी एक कैपिलरी आएगा और ये कैपिलरी काफी पतला होगा, जितना पतला आप बना सकते हैं। ये कैपिलरी इस बॉमेंस कैप्सूल के ऊपर से होकर क्रॉस करेगा, लेकिन इस बॉमेंस कैप्सूल के ऊपर से क्रॉस करने के क्रम में एक
नेटवर्क बना लेता है वुमेन्स कैप्सूल के ऊपर, एक जाल बना लेता है। जैसे बताया कि छन्ना हो जाता है, छन्ना एक दिया जाता है कुप्पी में, उसी तरह से। अब गौर कीजिए, ये बट गया, इस ढंग से बटते हुए एक नेटवर्क बना लिया, एक जाल बना लिया, और फिर से जब इस एरिया से निकला तो एक कैपिलरी में फिर से आ गया। अब आप गौर कीजिए, कल्पना करना है आपको कि ये ब्लड कैपिलरी तो काफी पतली थी, और जब ये वुमेन्स कैप्सूल के ऊपर से गुजरी तो कई पार्ट में बट करके एक नेट बना लिया, एक नेटवर्क बना लिया। अब ये कितना पतला रहा होगा, ऑलरेडी कैपिलरी ही बहुत पतला था, बहुत माइन्यूट था। जैसे ही इससे होकर के ब्लड आता है, आप गौर कीजिए, ब्लड का रास्ता जैसे जैसे सकरा होता चला जाएगा, ब्लड वेसल की दीवार पर उतना ही अधिक प्रेशर फील होगा, और उस प्रेशर की वजह से इसके ब्लड के अंदर प्लाज्मा में जो भी मटेरियल्स हैं, आइदर यूजफुल और हार्मफुल, वे सभी के सभी दब करके, छन करके इस एरिया में आ जाते हैं, इस वुमेन्स कैप्सूल के अंदर। ये जो नेट बनता है, नेटवर्क बन जाता है, ब्लड का एक जाल बन जाता है, इसे हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब गौर कीजिए, ट्रेन में या किसी बस में कैपेसिटी है 50 आदमी का एक बस में बैठने का, घुस गया ज्यादा 60, 70, 80, 100। अब क्या होगा, गेट पर भी 10 ठो लटका हुआ है, ऊपर पर भी चढ़ा हुआ है 25-50 की संख्या में। गेट पर जो 10 लटका हुआ है काफी प्रेशर फील कर रहा है, अंदर भी जो लोग खड़े हैं काफी प्रेशर फील कर रहे हैं। क्या होगा, संभावना है कि 2-4 आदमी गिर जाए। ठीक उसी प्रकार काफी प्रेशर होता है, ये जो स्पेस है, ये जो ग्लोमेरुलस है, इससे होकर के जब ब्लड आगे बढ़ता है तो काफी प्रेशर फील करता है, जिसकी वजह से उस ब्लड के प्लाज्मा सेल तो कहीं नहीं जाएगा, प्लाज्मा में जो मेटेरियल, जितने भी यूजफुल एंड वेस्ट मेटेरियल्स होते हैं वे सभी प्लाज्मा में रहते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेट्स, दीज 3 आर द सेल्स, और ये सभी कहां रहते हैं, एक लिक्विड मीडियम में रहते हैं जिसे प्लाज्मा कहते हैं, और डाइजेस्टेड फूड मटेरियल हो या और भी तरह के वेस्ट मटेरियल्स हो, वे सभी कहां रहते हैं, प्लाज्मा में ही रहते हैं। तो उसके प्लाज्मा से मटेरियल से दब करके इसके अंदर चले आते हैं प्रेशर की वजह से। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें काफी एनर्जी खर्च होती है, और यही वजह है कि आपको शुरुआत में ही बताया गया था कि हमारा नर्वस सिस्टम और हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम काफी मात्रा में एनर्जी कंज्यूम करता है। खैर, आप देखे होंगे ये बनाता है, इसको क्या बोलते हैं, हलवाई, बेसन का सेव। तो कैसे बनाता है, एक बड़ा सा नेट है, उस पर उसने सेमी सॉलिड बेसन डाल दिया है, ऐसे तो वो नहीं गिरता है, लेकिन जैसे ही उस पर प्रेशर पड़ता है, वो छिद्र से नीचे चला जाता है। यहां वही घटना हो रही है, ब्लड पर इतना प्रेशर पड़ रहा है कि ब्लड के अंदर जो मटेरियल्स थे वो प्रेशर से नीचे चले आए। किसमें चले आए, वुमेन्स कैप्सूल के अंदर चले आए। इसका नाम रखा जा रहा है, ये क्या है, फिल्ट्रेट्स है, ये सभी फिल्ट्रेट्स है। कहां से आए हैं,
ग्लोमेरुलस से छन कर आया है, इसका नाम हम रख देंगे ग्लोमेरुलर फ्यूचर। ग्लोमेरुलर फ्यूचर अब जब ये कैपिलरी बाहर निकला फिर से तो इसे लगा कि गंदा पदार्थ बाहर निकल गया प्लाज्मा से, ये तो अच्छा हुआ, लेकिन उसके साथ साथ यूजफुल मटेरियल भी बहुत सारा निकल गया, ग्लूकोज निकल गया, एमिनो एसिड निकल गया, कुछ कुछ यूजफुल साल्ट्स थे, वाटर निकल गया, तब तो दिक्कत हो जाएगी। हार्मफुल मटेरियल निकल गया ये तो बढ़िया हुआ, लेकिन यूजफुल मटेरियल निकल गया तो गड़बड़ हुआ। ये ब्लड कैपिलरी फीड से वापस आता है इस यूजफुल मटेरियल को लेने के लिए और इस ट्यूब्यूल के चारों तरफ लिपट जाता है इस तरह से। क्यों लिपट जाता है? इसे लगता है यूजफुल मटेरियल भी हमारा चला गया, फिर बॉडी कैसे काम करेगा, फिर कैसे शरीर जिंदा रहेगा? इस यूजफुल मटेरियल्स को रीअब्सॉर्ब करने के लिए, रीअब्सॉर्ब समझते हैं एब्जॉर्प्शन, रीअब्सॉर्प्शन कहां हुआ था? डाइजेस्टिव सिस्टम में, याद कीजिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में, इलियम में डाइजेस्टेड फूड मटेरियल वाज एब्जॉर्ब बाय ब्लड, लेकिन यहां फिर से वो निकल गया, चला गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के साथ इस ग्लोमेरुलर बॉमेल्स कैप्सूल के अंदर। अब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इस ट्यूब, ये जो ट्यूब्यूल है, इस ट्यूब्यूल से होते हुए आगे जब बढ़ता है, इस ट्यूब्यूल से होते हुए आगे बढ़ता है, तो ये ब्लड वेसल पूरी तरह से लिपट गया इस ट्यूब्यूल में, उसमें से ग्लूकोज, एमिनो एसिड, साल्ट्स एंड वाटर उसको रीअब्सॉर्ब करने के लिए, कि नहीं ये तो गलत हुआ, हमारा इंपॉर्टेंट, हमारा यूजफुल मटेरियल भी छन गया और उसका ये रीअब्सॉर्प्शन कर लेता है। यहां तक आते आते करीब करीब जितने यूजफुल मटेरियल्स बाहर निकल गए थे, छन गए थे, उसका इसने रीअब्सॉर्प्शन कर लिया, फिर से अब्सॉर्ब कर लिया। अब रहा केवल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में क्या क्या आ गया? यूजफुल एंड हार्मफुल, यूजफुल एंड वेस्ट, यूजफुल प्रोडक्ट्स, यूजफुल मटेरियल्स में क्या क्या आ गया? शुगर आ गया, यानी ग्लूकोज, शुगर नहीं लिखते हैं, ग्लूकोज लिखते हैं, ग्लूकोज एमिनो एसिड, ग्लूकोज एमिनो एसिड, साल्ट, कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट आ गया, वाटर आ गया, पानी निकल जाएगा शरीर से तो कैसे होगा, ये तो यूजफुल मटेरियल आ गया प्लस वेस्ट मटेरियल्स, वेस्ट मटेरियल्स में जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारे मटेरियल्स, ये वेस्ट मटेरियल्स। तो वेस्ट मटेरियल्स से तो हम छुटकारा पाना ही चाह रहे थे, लेकिन वेस्ट मटेरियल्स को छानने के चक्कर में, उसे निकालने के चक्कर में हमारा यूजफुल मटेरियल भी छन गया। लेकिन नेचर ने देखी कैसी व्यवस्था करती है, कैसा इंतजाम कर दिया, ये हमारा ब्लड कैपिलरी फिर से वापस आता है अपने यूजफुल मटेरियल्स को फिर से अब्सॉर्ब करने के लिए, और इसे ही कहते हैं रीअब्सॉर्प्शन। और यहां तक आते आते ये जो हमारा ब्लड कैपिलरी है पूरी तरह से यूजफुल मटेरियल्स को रीअब्सॉर्ब कर लेता है। अब ये क्या कहलाया? अब ये किडनी से बाहर निकलेगा, 10 लाख नेफ्रॉन से हर किसी से एक एक ब्लड कैपिलरी निकल रहा है और सभी फिर से रिज्वाइन करके निकल जाएंगे इस किडनी से बाहर, जिन्हें क्या कहा जाता है? रीनल वेन।
अब स्टिब्यूल की बात, स्टिब्यूल में क्या रह गया, सी पार्ट आते आते इसमें से यूजफुल मटेरियल्स को तो ये ब्लड ट्यूब्यूल ले लिया, अब इसमें बच गया केवल हार्मफुल मटेरियल और एक्सेस ऑफ वाटर, जितने वाटर की बॉडी को जरूरत थी ब्लड ने रीअब्सॉर्ब कर लिया, बाकी को छोड़ दिया। तो अब देखिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से यूजफुल मटेरियल निकल गया, फिर से ब्लड ने उसे ले लिया। तो इसे एक बड़ा शानदार एक फॉर्मूला बन रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, इसमें यूजफुल मटेरियल भी आ गया था और वेस्ट मटेरियल भी आ गया था, लेकिन अब इसमें से यूजफुल मटेरियल फिर से ब्लड ने ले लिया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट माइनस यूजफुल मटेरियल। बना क्या, अब क्या बचा, सिर्फ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से यूजफुल मटेरियल को हटा दिए तो जो कुछ भी बच गया, जिसमें यूरिया बच गया, यूरिक एसिड बच गया, कुछ और भी वेस्ट्स हैं, वाटर बच गया, इसे अब हम लोग कहते हैं यूरिन। यूरिन तो कभी कभी साइंस में बायो में ऐसा सवाल पूछ दिया जाता है, व्हाट इज यूरिन, बड़ा अटपटा लगता है, व्हाट इज यूरिन, पेशाब क्या है, तो साइंटिफिकली हम उसे डिफाइन इस रूप में करेंगे, द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आफ्टर रीअब्सॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल्स बाय ब्लड ट्यूब्यूल इज कॉल्ड यूरिन। इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को ही यूरिन कहेंगे, लेकिन कब, जब इससे यूजफुल मटेरियल फिर से रीअब्सॉर्ब हो जाए। अब देखिए 10 लाख नेफ्रॉन है और सबसे ये एक एक ट्यूब्यूल निकल रहा है यूरिन लेकर के, सारे 10 लाख नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल मिलकर के ज्वाइन करेंगे और इसको यूरेटर को, और इस यूरेटर में उस यूरिन को छोड़ेंगे जो कि फाइनली आकर के यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जमा होगा और समय समय पर उसे निकाला जाएगा। तो आपने देखा हर किडनी के अंदर इस प्रकार का मैकेनिज्म एक साथ 1 मिलियन होता है, और छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन, छोटा छोटा काम होते होते इतनी मात्रा में बड़ा काम होता है, यूरिन का प्रोडक्शन होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूवल होता है बॉडी से, इतने हार्मफुल इतने पॉइजनस मटेरियल्स का बॉडी से एलिमिनेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है। तो ये था आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारे बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट से हम कैसे छुटकारा पाते हैं, और हम समझते हैं कि निश्चित रूप से आप इस वीडियो को एक बार दोबारा देखेंगे तो आप अच्छी तरह से समझ लेंगे और कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। कभी कभी सवाल होता है कि एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, प्लांट में एक्सक्रीशन कैसे होता है, तो देखिए प्लांट्स जनरेट कंपेरेटिवली लेस वेस्ट प्रोडक्ट्स, कम वेस्ट प्रोडक्ट्स। एक तो आपको बताएगा फोटोसिंथेसिस का वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या है, बाय प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन, कुछ तो रेस्पिरेशन में यूज हो जाता है, कुछ जो है स्टोमाटा से बाहर निकाल दिया जाता है, एक्सेस ऑफ वाटर वो ट्रांसपायरेशन से बाहर निकल गया। तो ये सब तो कुछ नॉर्मल फिनोमेना है, नॉर्मल मैकेनिज्म है जिससे प्लांट्स अपने बाय प्रोडक्ट से छुटकारा पाता है। कुछ ऐसा भी होता है, आप क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, एक सेल ऑर्गेनेल होता है जिसे वैक्यूल कहते हैं, वैक्यूल प्लांट और एनिमल सेल के डिफरेंस के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो उसमें एक डिफरेंस वैक्यूल में भी डिफरेंस होता है, एनिमल सेल में वैक्यूल्स या तो होते भी नहीं है या होते हैं छोटे छोटे, लेकिन प्लांट सेल जैसे जैसे मैच्योर होता है, वैक्यूल्स इसमें एसेंशियली होता है प्लांट सेल में, और जैसे जैसे ये वैक्यूल्स बड़े होते चले जाते हैं, ये प्लांट सेल ये मैच्योर होता चला जाता है, बड़ा होता चला जाता है, बूढ़े सेल्स हो जाते हैं, तो उनके वैक्यूल्स भी बड़े होते चले जाते हैं और उसमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जमा होने लगते हैं। आप प्लांट्स में देखते होंगे लगातार ये प्लांट्स जो हैं, कुछ प्लांट्स तो ऐसे होते हैं डेसीडुअस जो लीव्स को सेड ऑफ करते हैं, साल में एक बार पत्तियों को झाड़ते हैं, तो सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स उसमें चले गए और फिर उसके साथ साथ वो भी निकल गए और फिर नई पत्तियां आ गई। कुछ और भी पार्ट्स होते हैं प्लांट के, बार्क वगैरह भी देखते होंगे जो पुराने पेड़ के झड़ते रहते हैं, तो वेस्ट प्रोडक्ट्स वहां जमा कर दिया जाता है ताकि वो उसके थ्रू बाहर निकलते चले जाए। कुछ
प्लांट के स्पेशल टाइप के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे गम्स, रेजिन्स, ये सब टाइप के लेटेक्स, जिसमें जिससे रबर बनता है, रबर प्लांट आप तोड़ते हैं या कहीं उसमें घाव करते हैं तो मिल्की मटेरियल निकलता है, वो उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जिसे हम लोग अपने काम में ले आते हैं। तो एक सवाल यह भी पूछा जाता है कि लिस्ट सम ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स दैट आर यूजफुल टू ह्यूमन, दैट आर यूजफुल टू अस। तो इस प्रकार के कुछ गम्स हैं, रेजिन्स हैं, लेटेक्स हैं, इस प्रकार के कुछ मटेरियल्स हैं, तो उसका हम लोग एग्जाम्पल देंगे। तो प्लांट्स के एक्सक्रीशन में कुछ खास है नहीं, तो कुल मिला जुला करके हमारा लाइफ प्रोसेस समाप्त होता है, हम लोगों ने सारे सिस्टम को देख लिया। अब हम चाहते हैं कि आपको अगर पूरे लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन से आप स्टार्ट करेंगे, हमने एक इंट्रोडक्शन का भी वीडियो बनाया है जो कि आप देखे होंगे, तो पूरे लाइफ प्रोसेस में आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक में अगर कोई परेशानी रह गई हो, कोई टॉपिक छूट गया हो, तो आप डाउट क्लास में उन टॉपिक्स की जानकारी दें हमें व्हाट्सएप पर, और हम उन सारे टॉपिक्स को एक साथ कोशिश करेंगे एक्सप्लेन करने के लिए एक स्पेशल वीडियो बना देंगे जो कि इस चैप्टर का सबसे अंतिम वीडियो होगा, और इस प्रकार से आपका ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर इस लॉकडाउन में खत्म होता है, लाइव प्रोसेस।